एंड वेलकम टू माय चैनल वन क्लिक ऑफ फ्लेवर्स कुकिंग आज जी मैं बनाने जा रही थी बेरी कप केक्स और बहुत ही क्विक एंड सिंपल रेसिपी है सब ने ज़रूर बनानी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन को क्लिक करें ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उन सबका बहुत शुक्रिया रेसिपी शुरू करते हैं हम सबसे पहले हमने लिया है ये शुगर है मेरे पास वन कप फुल और थ्री बाई फोर कप ऑयल लिया है तीन अंडे हैं रूम टेम्परेचर पे बेकिंग सोडा तीनों अंडे लिए हैं उनको पहले अच्छे से बीट करना है अंडे जो है रूम टेम्परेचर के होने चाहिए ठंडे नहीं फ्रिज से नहीं निकालने आपका केक या कप केक जो भी बना रहे हो ख़राब हो जाएगा हमने इसको बीट करना है साथ ही हमने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है वन कप फुल मैंने लिया था मेरे नॉर्मल मीठा था आपने अगर ज़्यादा थोड़ा सा मीठा रखना है थोड़ी सी आप शुगर ज़्यादा ऐड कर लें थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे सबसे पहले हमने तीन अंडे लिए हैं उनको बीट किया और साथ हमने शुगर ऐड की है थोड़ी थोड़ी फिर उसको बीट करना है बहुत ही इज़ी रेसिपी है ओवर बीट भी नहीं करना है हमने इसको और तो जैसे हम ये मिक्स हो जाएगा अच्छा सा फिर हमने इसके अंदर ऑयल डाल देना है थ्री बाय फोर कप मैंने ऑयल लिया है आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं आप ऑयल भी घी भी आपकी मर्जी है वन टीस्पून मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस डाला है बहुत फुल भर के नहीं नॉर्मल बस जी बस इसके अंदर हम अब ऐड करने जा रहे हैं मैदा अपना उसको मैंने छान लिया था वन टेबल स्पून उसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर डाला और उसको मैंने अच्छे से छान लिया और एक प्लेट में डाल लिया अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करूँगी थोड़ा सा दूध डालूँगी दूध भी आपने थोड़ा सी कम क्वांटिटी का लेना है उसके उस साथ साथ डालते जाना है हमने दूध ऐड करना है थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करना है इस तरीके से आपने इसको मिक्स करते जाना है हाथ से आपने मिक्स करना है इसको ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा जी ये देखें मेरा बैटर रेडी है ठीक सा बैटर रेडी हो गया है अब मैं इसको अपनी कप ट्रे में ऐड करूँगी आपने फुल बहुत ज़्यादा इसको नहीं भरना थोड़ी सी स्पेस रखनी है ताकि वो कप केक जो हैं वो थोड़े से फूलेंगे जब तो वो उनको भी स्पेस चाहिए होगी अब मैं इसके अंदर चेरीज डाल रही हूँ इस तरह से मैंने अपनी पूरी ट्रे में कप केक बैटर डाल लेना है वन एटी टेम्परेचर पर मैंने अपना ओवन प्री हीट करने प्री हीट ओवन में मैंने इसको रखना है ये देखिए जी इसकी लुक देखें पंद्रह से बीस मिनट में ये रेडी हो गए थे और ये देखिए कितने फ्लफ़ी और कितना अच्छा इनका कलर आया है टेस्ट में भी बहुत ही अमेजिंग है और सिंपल रेसिपी है ये जिसकी फाइनल लुक है आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियोस मिलें थैंक यू सो मच